धर्मांतरण की पाठशाला से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामला मुरादाबाद का है, जहां पर एक नामी ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालिका पर हिंदू लड़के लड़कियों ने धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सपना सिंह नाम की महिला ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया और फिर ब्यूटी इंस्टीट्यूट चलाकर वहां आने वाले बच्चों को धर्मांतरण का पाठ पढ़ाने लगी। ब्यूटी इंस्टीट्यूट बना धर्मांतरण की पाठशाला। इश्क में जिहाद, ब्यूटी इंस्टीट्यूट पर फसाद। रक्षांदा बनी खान, सूत्रधार बने भाईजान। ब्यूटी, ट्रेनिंग, लव और जिहाद। ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि यहां पर धर्मांतरण की पाठशाला चलती थी, ऐसे आरोप हैं। मैं लैक्मे एकेडमी की छात्रा हूं, मैं वहां से स्किन और हेयर का कोर्स कर रही हूं। मैंने वहां पे 1,25,000 रुपये वहां पे फीस दी थी, जो कि वहां पे मेरे को जो इस चीज़ के मैंने पैसे दिए थे उसे साइड में रख के मेरे को अलग ही ज्ञान दिया जा रहा है। हम सारे बच्चों को वहां पे हमें बोला जा रहा है, इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही हैं हमें वहां पे। हमें हिंदू मुस्लिम बच्चों में, हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को ऊपर रखा जाता है वहां पे। एकेडमी फॉर ब्यूटी मुरादाबाद शहर, एक नामी कंपनी की फ्रेंचाइजी पर चलाए जा रहे इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट के बाहर अचानक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की भीड़ जुटने लगी। देखते ही देखते इंस्टीट्यूट के बाहर नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। अब तक लोग इस बात से बेखबर थे कि एक इंस्टीट्यूट के बाहर हिंदू संगठन के लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पता चला कि ब्यूटी इंस्टीट्यूट अब धर्मांतरण की पाठशाला बन चुकी थी तो लोगों को समझ आ गया कि इसके पीछे कौन हो सकता है। दरअसल दो दिन पहले मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह से कुछ लड़कियों ने शिकायत की थी। उनका आरोप था कि इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग वहां काम करने वाले मुस्लिम लड़कों से हिंदू लड़कियों पर दोस्ती और शादी का दबाव बना रहे हैं, यानी मंशा धर्मांतरण की थी। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जा रहा है, ये है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम, इसकी नवंबर में शादी है तो इसको बोला जा रहा है कि एक लड़का है कि तू उससे भी शादी कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले मुसलमान थी, वो हिंदू थी, बाद में उन्होंने कन्वर्टेड हुई है वो मुस्लिम में। तो हमें भी यही सलाह देती हैं वो कि क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर मुसलमान से भी तुम लोग शादी कर लोगे, बल्कि मैं तो शादी शुदा हूँ फिर भी मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, ये अभी अनमैरिड है, इसको बोला जाता है कि कोई बात नहीं शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहते हैं, मैंने भी तो शादी की है ना इस्लाम धर्म में। तफ्तीश में पता चला कि रक्षांदा नाम की महिला इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट को चलाती है। रक्षांदा पहले हिंदू थी, तब उसका नाम सपना सिंह हुआ करता था, फिर उसने शहनाज नाम के शख्स से शादी कर इस्लाम अपना लिया और तभी से वो इंस्टीट्यूट की आड़ में धर्मांतरण की पाठशाला चलाती है। वहाँ पर कुछ छात्र हैं जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और जिसके क्रम में थाना सिविल लाइन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग 603/24 थाना। धर्म परिवर्तन के प्रयास करवाने के भी उसमें आरोप लगाए। देखिए इस पर आरोप में जाँच और विश्लेषणात्मक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने ब्यूटी इंस्टीट्यूट की आड़ में धर्मांतरण की मुहिम चलाने के आरोपों से घिरी इंस्टीट्यूट डायरेक्टर रक्षांदा खान और उसके पति शाहनवाज समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही कुछ हिंदू छात्राओं ने रक्षांदा खान पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का आरोप है कि रक्षांदा उन्हें इंस्टीट्यूट में काम कर रहे मुस्लिम युवकों के साथ दोस्ती करने और उनसे शादी करने के लिए प्रेरित करती थी। वो कहती है कि पहले मैं भी हिंदू थी लेकिन मैंने मुस्लिम युवक से शादी की और अब मैं मुसलमान बनकर खुश हूँ। सबसे हैरत की बात तो ये है कि जब पीड़ित लड़कियों ने DM से शिकायत की, उसके बाद रक्षांदा और उसके पति शाहनवाज ने पीड़ितों को उठवा लेने की धमकी दी।
पढ़ाएगी, अभी नाम पे वहाँ पे इस्लाम धर्म पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, हमें हमारे हिंदू धर्म को बोला जाता है कि क्या कहते हैं ये जो तुम्हारे फास्ट होते हैं ये तो खाली मतलब डाइटिंग के लिए होते हैं, जो हमारे रोजे होते हैं मेन तो वो होता है हमारा इस्लाम धर्म में, उन्हें कभी पढ़ के देखो, ऐसी ऐसी बातें कराई जा। इस्लाम के बारे में ये बोला जाता है कि बेटा इस्लाम में बहुत खूबियां हैं, उसे आप एक बार पढ़ के देखो, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मामले के खुलासे के बाद कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। लड़कियों का आरोप है कि रक्षंदा खान धर्म विशेष को लेकर बेहद चिढ़ती थी। रक्षंदा के इंस्टीट्यूट में हिंदू युवतियों को तिलक, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने पर रोक थी, जिसको लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कार्ट रोड पर एकेडमी के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सपना सिंह उर्फ रक्षंदा खान का पुतला भी फूंका। फिलहाल धर्मांतरण की पाठशाला पर ताला लग चुका है। रक्षंदा और उसके पति शाहनवाज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि मामले की जांच जारी है। मुरादाबाद से न्यूज 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।